1975 में आज ही दिन दक्षिण अफ्रीकी राज्य अंगोला को पूर्व औपनिवेशिक शक्ति पुर्तगाल से आजादी मिली थी। इसके बाद विरोधी गुटों के नेता अगोस्टिनो नेटो को देश का पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। नेटो अंगोला की आजादी के लिए चलाए गए लोकप्रिय आंदोलन MPLA के नेता थे। इस घटना का जश्न अंगोला के लोगों ने राजधानी लुआंडा में मध्य रात्रि में देश का झंडा फहराकर मनाया था। सैनिकों ने खुशी जाहिर करते हुए हवा में जमकर फायरिंग की। MPLA ने राजधानी के एक स्टेडियम में एक बड़ा समारोह आयोजित किया जिसमें सोवियत संघ के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। अंगोला की आजादी के साथ ही वहां 500 वर्षों का पुर्तगाली शासन खत्म हो गया था। में आज के दिन मशहूर पेंटर विंसेंट वैन गॉक की एक पेंटिंग 4,90,00,000 डॉलर में बेची गई थी, जो किसी कलाकृति के लिए अब तक की दी गई सबसे बड़ी कीमत थी। इस पेंटिंग में संत रैमी की फ्रांस स्थित मानसिक आरोग्य शाला का चित्रण है, जहां वैन गॉक मरीज के रूप में भर्ती थे। 1889 में इस पेंटिंग को गॉक ने बनाया था। इसके कुछ महीनों बाद ही इस महान कलाकार ने आत्महत्या कर ली थी। 2004 में आज के दिन फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात का पेरिस के एक अस्पताल में निधन हुआ था। फिलिस्तीनी लोगों के अधिकार के लिए 40 साल से ज्यादा अवधि तक संघर्ष करने वाले अराफात 3 नवंबर से कोमा में थे। हालांकि उन्हें क्या बीमारी थी इसे लेकर रहस्य बना रहा, क्योंकि डॉक्टरों ने कैंसर की संभावना से इनकार कर दिया था और फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठनों के इन आरोपों को भी खारिज कर दिया था कि उन्हें जहर दिया गया था। 1950 से ही अराफात इसराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी विरोध का मुख्य चेहरा थे। पहले उन्होंने फिलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही फतेह पार्टी का नेतृत्व किया और बाद में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के नेता बने। 1993 में उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री यित्जाक रॉबिन के साथ शांति के लिए ओस्लो में गुप्त बातचीत शुरू की थी। यित्जाक रॉबिन और शिमोन पेरेस के साथ मध्य पूर्व में शांति स्थापना के प्रयास के लिए उन्हें ओस्लो संधि के बाद शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनके निधन पर दुनिया भर के नेताओं ने शोक व्यक्त किया था। 11 नवंबर भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में शिक्षा के विकास में जबरदस्त भूमिका निभाने वाले पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम उर्दू के बेहद काबिल साहित्यकार और पत्रकार थे, लेकिन शिक्षा मंत्री बनने के बाद उन्होंने उर्दू की जगह इंग्लिश को तरजीह दी ताकि भारत पश्चिम से कदम ताल करके चल सके। 1888 को मक्का में पैदा हुए मौलाना आजाद का मानना था कि अंग्रेजों के जमाने में भारत की पढ़ाई में संस्कृति को अच्छे ढंग से शामिल नहीं किया गया, लिहाजा 1947 में आज़ादी के बाद शिक्षा मंत्री बनने पर उन्होंने पढ़ाई लिखाई और संस्कृति के मेल पर खास ध्यान दिया। मौलाना आजाद की अगुवाई में 1950 में शुरुआती दशक में संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी का गठन हुआ। इससे पहले उन्होंने 1950 में ही भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का गठन किया था। मौलाना अबुल कलाम भारत के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन थे, जिसका काम केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर शिक्षा का प्रसार था। उन्होंने भारत में धर्म, जाति और लिंग से ऊपर उठकर 14 साल तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाने की सख्त वकालत की। वह महिला शिक्षा के खास हिमायती थे। उनकी पहल पर भारत में 1956 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना हुई। मौलाना आजाद को एक दूरदर्शी विद्वान माना जाता है, जिन्होंने 1950 के दशक में ही सूचना और तकनीक के क्षेत्र में शिक्षा पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। शिक्षा मंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल में ही भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का गठन हुआ था।